तो लग रहा है WWE वाले ना सोलो सिकोवा को एक अच्छी डायरेक्शन के ऊपर भेजेंगे या फिर एक ऐसी बुकिंग देने वाले हैं जो कि सोलो स्टार्टिंग से जा रहे होंगे WWE में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सोलो सिकोवा की कहानी में ट्विस्ट आया। उन्होंने कहा भैया अब मैं हूँ ट्राइबल चीफ, मैं हूँ चार्ज में जब तक रोमन नहीं आता। ये बात रोमन से उन्होंने खुद कर ली है। इसके अलावा और भी कुछ ट्विस्ट के बारे में या फिर अपडेट्स के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करते पहले ब्लड लाइन की एक और नई कहानी के साथ में, जहाँ मेल मेंबर्स आपस में एकदम भिड़ंत करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जो वुमेन्स है वो भी कम नहीं है। जिमी उसो की वाइफ यानी कि नायोमी एंड नाया जैक्स, वो भी थोड़ा सामोअन फैमिली वाला जो फ्यूड है वो दिखा रही है। हुआ क्या था रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में, वुमेन्स जो अपना क्वीन ऑफ द रिंग था उसके मैच हुआ, उस वाले मैच के अंदर नाया जैक्स ने हरा दिया नायोमी को और फर्दर क्वालिफाई हो गई है। तो इसके बाद नायोमी ने क्या किया, उन्होंने जो पूरा सामोअन ट्री शोकेस किया था द रॉक ने ना रेसलमेनिया वो जो प्रेस इवेंट हुआ था उसके दौरान में, उसके ऊपर जाके जो नाया जैक्स का नेम है उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया। इसके ऊपर नाया जैक्स ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर रिएक्ट किया, उन्होंने उसके ऊपर गुस्से वाला इमोजी दिखाया। तो ये कुछ अभी फिलहाल एक अलग से ही कहानी चल रही है ब्लड लाइन की, मतलब एक और ब्लड लाइन कहानी एक तरह की स्टार्ट हो रही है कि भाई नाया जैक्स इसको लेकर फ्यूरियस है, तुमने मेरा नेम कैसे काटा। और नायोमी खुश नहीं है कि नाया जैक्स ने उन्हें हरा डाला, इसलिए उन्हें समवन फैमिली से ही निकालने का एक तरह का उन्होंने इंडिकेशन दिया है। एक बुरी खबर मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ, स्पेशली जो लोग स्टूडेंट्स हैं मेरी तरह। देखो वैसे हम लोगों का सीन क्या हो रहा था, प्रीमियम लाइव इवेंट्स हो रहे थे, तो या फिर वो सैटरडे को जा रहे थे या फिर वो संडे को हो रहे थे मैक्स टू मैक्स इंडिया के अंदर। और ये बड़ा सही था, मतलब मान लो तुम्हारा मंडे को स्कूल कॉलेज कुछ भी है, तुम आराम से संडे को देख पा रहे थे और उसके बाद अगले दिन चले जा रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, डाना वाइट रिसेंटली आए अपने एक पूरे इवेंट के अंदर और यहाँ पर उन्होंने प्रेस के सामने बात रिवील की कि जो टीकेओ का पूरा मार्केट प्लान है ना उसके अकॉर्डिंग अब जो WWE के शोज हैं वो संडे के ऊपर शिफ्ट होंगे, यानी कि इंडिया के अंदर अब वो मंडे को होने वाले हैं। वो बता दें फ्राइडे को UFC का इवेंट, उसके बाद एक पावर स्लैप इवेंट होता है वो होगा एंड तब जाके WWE के PLEs होंगे। ये TKO का पूरा प्लान है। सो दैट्स व्हाई UFC के थोड़े चक्कर में तुम ये कह सकते हो कि जो WWE के PLEs हैं वो आने वाले टाइम में एक बार फिर से संडे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये चेंजेस कब से होने वाले हैं ये बात कन्फर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर डाना वाइट ने कन्फर्म किया TKO के यही प्लान है कि WWE संडे के को एक बार फिर से ऊपर शिफ्ट होने वाली है। तो ऑफकोर्स मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए भी बुरी भाली खबर है। मुझे लग रहा है मंडे को मुझे हमेशा छुट्टी मारनी पड़ जाएगी, वरना मैं क्या कर रहा था संडे को मस्त वीडियो वीडियो डाल के मंडे को कॉलेज। अब मंडे को मुझे ये बताओ प्रीमियम लाइव इवेंट ही 8:30-9 बजे खत्म होता है, तो उसके बाद वीडियोज डालने में 12-1 मुझे ऐसी बज जाए मैं घंटा कॉलेज जाऊंगा। तो ये कुछ सीन हो गया भाई अभी फिलहाल। और ये ऑफकोर्स तुम लोग की तरह मेरे लिए भी एक बुरी खबर है। बात हम लोग ब्रॉक लेसनर और उनकी डॉटर के बारे में करेंगे, बिकॉज लेसनर की डॉटर ने रिसेंटली अपना ही जो खुद का रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर डाला है। वो शॉर्ट पुट जो स्पोर्ट्स है वो खेलती हैं एंड रिसेंटली बात रिवील हुई कि भाई उनका कुछ महीने पहले रिकॉर्ड था और वो था 18.50 मीटर के थ्रो का रिकॉर्ड। लेकिन जस्ट 2 महीने बाद ही रिसेंटली एक शो हुआ, वहां पर ब्रॉक लेसनर ये बता जा रहे अटेंडेंस में थे, ये मेक्सिको के अंदर हुआ था न्यू मेक्सिको में। और यहां पर जो हमारे ब्रॉक लेसनर की डॉटर है उन्होंने 19.07 थ्रो किया शॉर्ट पुट का, जो कि उनका खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक करते जो कि जस्ट उन्होंने 2 महीने पहले बनाया था। तो ये भी फिलहाल कुछ बातें जो कि मुझे लगा बतानी चाहिए। लेसनर WWE के अंदर गायब हैं, WWE के हिस्टोरिक सुपरस्टार स्टिल वो रहेंगे, लेकिन उनकी डॉटर भी उनकी स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड मैसिव कांग्रेचुलेशंस ब्रॉक लेसनर एंड उनकी डॉटर को इस मैसिव एंड बड़ी अचीवमेंट के लिए। देखो हम लोग जवानी में बॉडी शॉटी नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे में हमारे केविन नैश एकदम जबरदस्त बॉडी बना के घूम रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो केविन नैश की जो एज है 64 के अराउंड है एंड रिसेंटली उन्होंने अपना जैक्ड लुक शेयर किया सोशल मीडिया के ऊपर, जिसका स्क्रीन शॉट तुम लोग देख पा रहे। तुम बुढ़ापे में बॉडी देख रहे हो यहाँ पर अपने क्या कहते हैं केविन नैश के एकदम भयंकर वाली हो रखी भाई, कट कुट एकदम क्लियर दिख रहे हैं। तो ये मुझे भी फिलहाल अपने केविन नैश ने रिवील किया जो कि मुझे लगा तुम लोग को दिखाना चाहिए। थोड़ा बहुत तुम लोग भी मोटिवेट हो जाओ, जिस तरीके से मैं था बनाने के लिए बॉडी शॉडी घंटा बनी नहीं है, लेकिन अब बुढ़ापे में जब केविन नैश बना सकते हैं तो मैं भी थोड़ी बहुत बना ही लेता हूँ। चलो बात करते हैं इसके बाद वाली स्टोरी के बारे में, ये WWE के कुछ रिलीजेस के बारे में जुड़ी है या फिर WWE के कुछ बड़े एम्प्लॉयज के WWE लीव करने के बारे में जुड़ी है। देखो HHH ने कहा ये बिजनेस है, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, तो वो बिल्कुल भी चीज़ ऐसी नहीं कि उसको तुम लोग कहोगे भाई ये नेगेटिव चीज़ है इस बिजनेस। लेकिन हुआ क्या, रिसेंटली जो सीनियर डायरेक्टर है TV इवेंट रिलेशन के, जिनका नाम स्टीवन रब है, वो WWE के साथ में पिछले 26 साल से थे और उन्होंने अब जो अपना काम है वो WWE के साथ में खत्म कर दिया है। वो प्रोडक्शन असिस्टेंट का भी काम करते थे, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी वैसी हुई हैं कि उन्होंने WWE को लीव कर डाला है। एक और जो सेकंड एग्जीक्यूटिव बंदे ने रिवील किया उनका नाम माइकल लेविन है, वो WWE का बेसिकली जो ऑफिस लंदन के अंदर था उसे संभालते थे, लेकिन उन्होंने भी WWE को एक लंबे टाइम बाद अब वो लीव कर दिया। वो प्रेसिडेंट भी थे इंटरनेशनल इवेंट्स एंड जनरल मैनेजर्स के, लेकिन अब उनका जो टेन्योर है 7 साल का जो अराउंड था वो WWE के साथ में एंड हो चुका है। और ये कुछ बड़े नेम्स जो कि WWE को रिसेंटली लीव कर रहे हैं। अब चलो बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में, ये सोलो सिकोवा के बारे में जुड़ी है। हमारे ब्लड लाइन इन्फोर्सर है सोलो
सोलो सिकॉय उन्होंने ऑफकोर्स WWE के अंदर अपना दबदबा बना लिया थोड़ा बहुत और बनाते भी रहेंगे आने वाले टाइम में। उन्होंने रिसेंटली बात भी रिवील की, उन्होंने रोमन रेंज से बात कर ली है और अब जो चीज़ें होंगी ब्लड लाइन में वो उनके चार्ज में होंगी जब तक रोमन वापस नहीं आते हैं। लेकिन तुम लोग को बताओ रिसेंटली एक न्यूज़ आई सामने, उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग अब WWE सोलो को ना एक डोमिनेशन वाले वे में बुक करेगी और ये चीज़ दिखाई भी जा सकती है WWE के रिसेंटली लाइव इवेंट से। तुम लोग को नहीं पता तो रिसेंटली लाइव इवेंट्स के अंदर पहले सोलो लगातार मैचेस हार रहे थे, लेकिन अब सोलो टैमो टोंगा जितने भी टैग टीम मैचेस में कंपीट कर रहे हैं या फिर जितने भी मैचेस रिसेंटली 4-5 कंपीट किए हैं सोलो एंड टैमो टोंगा ने, उसमें उनकी विक्ट्री ही हो रही है। तो एक अच्छा साइन है फैंस के लिए या फिर सोलो के फैंस के लिए अगर कोई है कि भाई देखो सोलो सिकोवा को पुश मिलने वाला है और WWE ने बुक करेगी। और ऑफकोर्स बुक ढंग से करना भी पड़ेगा बिकॉज रीजन वही है ना कि आपको उस बंदे को आने वाले टाइम में कुछ ही महीने बाद बुक करना है किसके खिलाफ, रोमन के खिलाफ और भी रिटर्निंग बेबी फेस रोमन। तो यस उस चक्कर में यहाँ पर जो WWE है वो अच्छा खासा बुक कर रही है एंड हाँ ये चीज़ें बुक करनी ज़रूरी भी है ताकि फ्यूड अच्छा खासा जम पाए सोलो एंड रोमन रेंज के बीच में जब भी हमारे ट्राइबल चीफ कम बैक करेंगे। लेकिन ये कुछ न्यूज़ है कि अब एक बार फिर से सोलो की डोमिनेशन तुम्हें मेन रोस्टर में दिखाई देगी। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ के नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।